मॉर्निंग फ्रेंड्स, और आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज मेरा कोई ब्लॉग नहीं है गाइस, तो मैं आज आप लोगों के साथ केक की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। और केक मैं गेहूँ के आटे से बनाऊँगी, मैदे से नहीं, तो केक मेरा काफ़ी हेल्दी होने वाला है। और फिर और वो भी मैं केक माइक्रोवेव में नहीं, कुकर में बनाऊँगी। तो देखिए ज़रूर मेरी, और वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करिए, और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और बगल में जो बेल आइकन आती है तो उसको भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए आप लोगों को। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं गाइस। तो गाइस, मैंने गेहूं के आटे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक कटोरी चीनी है ये मेरी पिसी हुई, और एक कटोरी मैंने गेहूं का आटा लिया है, एक कटोरी दूध है, और एक कटोरी मैंने दही लिया है, और आधी कटोरी रिफाइंड है। तो मैंने यहाँ पे ये कोको पाउडर है मेरे पास, और ये वनीला एसेंस है, और बेकिंग सोडा और खाने वाला सोडा दोनों ही लिया है मैंने, आधा आधा चम्मच। और एक बड़े बर्तन में मैं मैदा और चीनी और कोको पाउडर दो चम्मच ऐड करके इनको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इन सभी को मैंने पहले से चाल रखा है, तो आप लोग भी पहले चाल लीजिए अच्छे से। और दो चम्मच यहाँ मैं बेकिंग सॉरी गाइस, मैं यहाँ पे ये कोको पाउडर ऐड कर रही हूँ, और इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और फिर उसके बाद मैं एक मिक्सी जार में इन सभी को डाल लूँगी, और बट उससे पहले मैं यहाँ एक बर्तन को ग्रीस करूँगी। तो ये बर्तन मेरा जो कुकर के साथ आता है मैं उसमें बना रही हूँ, तो इस बर्तन को मैंने अच्छे से ग्रीस कर लिया है ताकि आप हमको इसमें ही केक बनाना है। और अब मैंने जो दूध और दही है मेरा, रिफाइंड ऑयल और ये वनीला एसेंस है, इसको भी मैं इसी में ऐड कर लूँगी, और थोड़ा सा अच्छे से पहले चम्मच की मदद से मैं इसको मिक्स कर लूँगी। इसको मिक्सी ग्राइंडर जार में डालकर अच्छे से सब मिक्स कर लूँगी, एक बार इसको चला दूँगी तो काफ़ी अच्छे मिक्सी ग्राइंडर में अच्छे से ये फिट जाता है हमारा, और हाथ की मदद से अगर हम फिटते तो इतना अच्छे से नहीं फिटता है। अगर आपके पास ग्राइंडर है, हैंड ब्लेंडर, तो आप उससे भी अच्छे से ब्लेंड कर लीजिए, बहुत अच्छे से फिट जाता है उससे, बट मिक्सी जार में बहुत जल्दी होता है इसलिए मैंने मिक्सी जार में किया है। और फिर बस मेरे को इस बर्तन में उतना ही डालना है, आधा डालना है ताकि ये हमारा फूलेगा भी ये बैटर, इसलिए मैं इसमें आधा डालूँगी। और इसको टैप कर लूँगी ताकि जो भी इसमें बबल्स होंगे तो वो रिमूव हो जाएंगे। और फिर यहाँ पे मैंने ये कुकर को पहले से ही फ्री हीट कर लिया है, और जो ये इसके इसी बर्तन के साथ जो जाली आती है उसको मैंने यहाँ पे रख दिया है। आप चाहो तो यहाँ पे एक कटोरी भी रख सकते हो छोटी सी, पर इसके साथ ही अच्छे से सेट हो जाता है, बर्तन हमारा हिलता डुलता नहीं है। तो बहुत ध्यान से इसको अंदर रखना है कुकर के, क्योंकि कुकर हमारा काफ़ी गर्म है। और यहाँ मैंने कुकर की सीटी और रबड़ दोनों ही निकाल ली है, और इसको हमको करीब 30 मिनट पकाना है, और 30 मिनट बाद हमको इसे चेक करना है टूथपिक की मदद से, देखना है अगर हमारा टूथपिक एकदम क्लीन निकलता है तो हमारा केक बनके तैयार है। तो यहाँ मेरा टूथपिक एकदम क्लीन है तो पक भी गया है, और ये साइड से इसने अपना छोड़ दिया है, देखिए कॉर्नर छूट भी गए, तो इसे समझ में आता है कि हमारा केक पक गया है। तो ये रहा हमारा केक कुकर में, देखिए गाइस बहुत ही बढ़िया केक बना है, और टेस्टी भी है,
स्पंजी भी है, ऐसा नहीं है कि स्पंजी नहीं बना है। और आटे से बना हुआ केक तो बच्चों के लिए हेल्दी है ही है, जानते हैं आप लोग। मैदे का केक इतना अच्छा नहीं होता, बच्चों को आप टिफिन में दीजिए, डेली भी खा सकते हैं बच्चे इसको। तो गाइज़ अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा तक, और बगल में जो बेल आइकन आती है उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो बस गाइज़ आज के लिए इतना ही, तो बाय बाय दोस्तों, मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में।